हेलो फ्रेंड्स, अमृता'स किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द एवं ड्राई फ्रूट के लड्डू, जिनको ठंड के लड्डू भी कहते हैं। खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ यह लड्डू हेल्दी भी हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आधा किलो बादाम लेना है, गर्म उबलते हुए पानी में डालकर निकालना है, जिससे उनके छिलके आसानी से अलग हो जाएंगे, और धूप में अच्छे से सुखा लेना है। एक किलो खारक लेना है, गुठलियों को अलग करके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर में पीस लेना है। ध्यान रहे, छोटे छोटे टुकड़े करके ही मिक्सर में डालें और थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्सर चलाएं, वरना यह मिक्सर को खराब कर सकती है। और दरदरा ही पीसना है, ज्यादा बारीक नहीं करना है। एक किलो खोपरा गोला, इनको कद्दूकस कर लेना है। आप चाहे तो मिक्सर में पीस भी सकते हैं। काजू हमने 250 ग्राम लिया है, आप चाहे तो काजू की मात्रा बढ़ा सकते हैं। काजू को अच्छे से साफ करके मिक्सर में दरदरा पीस लें, ज्यादा बारीक नहीं करना है। एक किलो उड़द की दाल लेना है, उसको अच्छे से धोकर धूप में अच्छे से सुखा लेना है। जब दाल सूख जाए तो मिक्सर में बारीक पीस ले आटा तैयार कर लें। आप चाहे तो उड़द की दाल का रेडीमेड आटा भी बाजार से ला सकते हैं। 250 ग्राम खाने वाला गोंद लेना है। कढ़ाई में देसी घी गर्म होने के लिए रख दीजिए, और इस तरह की बड़ी वाली चलनी में गोंद को थोड़ा थोड़ा करके तल लीजिए। चार से पांच बार में गोंद को थोड़ा थोड़ा करके तलकर एक बड़े बर्तन में सामग्री इकट्ठा करते जाइए। जो बादाम हमने धोकर सुखाई थी, उनको मिक्सर में दरदरा पीस लें, और कढ़ाई में 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर सिकाई कर लें, ताकि बादाम में जो नमी है वह निकल जाए। जिस बर्तन में हमने गोंद रखा था, उसी में बादाम भी मिक्स कर दें। अब हमने जो खारक बारीक करके रखी है, उसको सिकाई करेंगे। कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच देसी घी ले, 5 को लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से सिकाई कर ले, लगातार चलाते रहें। और मिश्रण को मिक्स कर दें। एक बड़ी चम्मच देसी घी गर्म करना है, और बारीक किया हुआ खोपरे को भी लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से सिकाई करना है।
सिकाई हो जाने पर मिश्रण में मिक्स कर लें। काजू जो हमने साफ करके रखा था उसको भी मिक्सर में दरदरा पीस लिया है। लो फ्लेम पर काजू की भी 5 मिनट तक अच्छे से सिकाई कर लेनी है। मिश्रण में मिलाकर अच्छे से मिक्स कर देना है। दो सौ ग्राम खसखस के दाने लेना है। अच्छे से साफ करने के बाद कढ़ाई में लो फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट तक ही सिकाई करना है। ज़्यादा सिकाई करने से इनका स्वाद कड़वा लग सकता है, इसलिए इनकी थोड़ी सी ही सिकाई करें। मिश्रण में मिलाकर अच्छे से मिक्स कर दें। उड़द की दाल का जो आटा हमने तैयार करके रखा है अब उसकी सिकाई करना है। कढ़ाई में देसी घी गर्म करें और उसमें उड़द की दाल का आटा डालकर लो फ्लेम पर सिकाई करें। आटे की सिकाई में लगभग 40 से 45 मिनट का समय लगेगा। लो फ्लेम पर ही सिकाई करना है, लगातार चलाते रहना है। हमने 1 किलो आटा लिया है तो लगभग 1 किलो देसी घी लग जाएगा। थोड़ी थोड़ी सिकाई होने पर बीच में हमको थोड़ा थोड़ा देसी घी मिलाते रहना है। थोड़ी थोड़ी सिकाई होने पर बीच में हमको थोड़ा थोड़ा देसी घी मिलाते रहना है। थोड़ी थोड़ी सिकाई होने पर बीच में हमको थोड़ा थोड़ा देसी घी मिलाते रहना है। जैसे जैसे आप घी मिलाकर सिकाई करते जाएंगे यह गाढ़ा होता जाएगा और गर्म होने पर तरल हो जाएगा। आटे की सिकाई करने में जल्दबाजी ना करें, लो फ्लेम पर ही सिकाई करें, लगातार चलाते रहें और बीच बीच में घी मिलाते रहें। आटे की सिकाई की शुरुआत में आप घड़ी में टाइम देख लें, लगभग 40 से 45 मिनट तक आपको इसकी सिकाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी सही स्वाद मिल पाएगा। जैसे जैसे सिकाई होती गई यह तरल होता गया और देखिए अब इसका रंग भी बदलने लगा है। जब अच्छे से सिकाई हो जाएगी तब यह गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगेगी। 40 से 45 मिनट के बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को कढ़ाई में ही ठंडा होने दें, लगातार चलाते रहें।
अच्छे से ठंडा होने के बाद मिश्रण में मिलाकर अच्छे से मिक्स कर दें। एक किलो शक्कर का बूरा लेना है और लड्डू के मिश्रण में मिला दें। और पूरे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करके हाथों से गोल गोल लड्डू बना लें। आप चाहें तो चूरमा भी रख सकते हैं। देखिए हमारे उड़द की दाल और ड्राई फ्रूट के लड्डू बनकर तैयार हैं। इनको ठंड के लड्डू भी कहते हैं क्योंकि यह ठंड के मौसम में ही खाए जाते हैं। स्वादिष्ट होने के साथ साथ यह बहुत पौष्टिक होते हैं। ठंड के मौसम में हर साल यह लड्डू बनाकर खाना चाहिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके परिवार और दोस्तों में जो भी ठंड के लड्डू बनाना चाहते हैं उन्हें जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अमृताज किचन में बहुत बहुत धन्यवाद।